वेलकम दोस्तों, आज मैं गोवा के सबसे पुराने चर्च मींस गोवा का पहला चर्च दिखाने वाली हूँ, जो 1541 में पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाली नौसैनिकों के लिए बनवाया गया था, जिससे वे इंडिया में आकर भी अपने धर्म का पालन कर सकें। 1541 में ये एक छोटा सा चर्च था। छोटे चर्च को चैपल कहा जाता था, लेकिन 1609 में इस छोटे चर्च को मींस चैपल को बड़े चर्च में बदल दिया गया, जो कि अभी आप देख रहे हैं। इस चर्च का नाम आवर लेडी ऑफ द इमाकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च है। जनवरी स्टार्ट हो गई है, लेकिन कोविड के कारण थोड़ा सा पब्लिक कम है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि गोवा में सब ओपन है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गोवा में आकर आप छुट्टियों का मजा ले सकते हैं। अगर आप गोवा आ रहे हैं तो इस चर्च को घूमना मत भूलना। ये चर्च मेन पंजिम सिटी में है और पर्यटकों का ये एक बहुत पसंदीदा स्थान है। देश विदेश से लोग इस चर्च को देखने आते रहते हैं। तो चलिए इसकी हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। इस चर्च के साइड में जो सीढ़ियां हैं, इन्हें 18th सेंचुरी में बनाया गया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। इस चर्च की एक और खासियत बात है, इस चर्च की बेल पूरे गोवा में दूसरी सबसे बड़ी बेल है, जिसे सन 1871 में बेल टॉवर में लगाया गया था। जैसा हम लोगों के मंदिर में बेल होती है, वैसे इन लोगों के चर्च में भी बेल होती है, और बेल टॉवर वो है जहां पर बेल को हैंग किया जाता है। बेल का प्रयोग ये लोग प्रेयर करने वालों को बुलाने के लिए करते हैं, और कुछ देशों में चर्च में बेल का प्रयोग फनरल और किसी के जन्म के समय भी किया जाता है, सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या प्रेयर का टाइम हो गया है ये बताने के लिए बेल का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि स्कूलों में बेल को बजाया जाता है, हिंदुओं के मंदिर में भी बेल होती है, उसका यूज तो लगभग सबको पता ही होगा। इस चर्च की बाहरी डिजाइन पुर्तगाली बरोक स्टाइल में बना हुआ है। बरोक स्टाइल पुर्तगाली लोगों की चर्च बनाने की एक डिजाइन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे गोवा की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।